हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेट फॉर कॉल, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस पेज में आपको ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। आपका ये नेवर वाइब्रेट पे पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से डिसेबल होगी। इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको नीचे की साइड ये दो और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑलवेज वाइब्रेट और वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपकी वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो इनका यूज़ क्या होता है, देखिए। अगर आप ऑलवेज वाइब्रेट पे टिक मार्क लगाते हैं, ऑलवेज वाइब्रेट पे, ठीक है, इससे होगा क्या, आपकी सेटिंग तो इनेबल हो जाएगी वाइब्रेट फॉर कॉल, लेकिन ये काम कैसे करेगी, देखिए, आपके मोबाइल फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना तो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जितनी देर तक आपका मोबाइल फोन रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा उतनी देर तक आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट भी करेगा, ठीक है। अगर आप इसे नीचे की साइड ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग ग्रेजुअली, ठीक है, अभी सेटिंग जो है ना कैसे काम करेगी, देखिए, अगर आपके मोबाइल फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना तो आपका मोबाइल फोन पहले तो एक बार आपका स्टार्टिंग में एक बार वाइब्रेट करेगा, फिर उसके बाद जो है ना लगातार रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, उसके बाद जो है वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग तीसरे नंबर पे लगाने से इनेबल हो जाती है, और लेकिन ये सेटिंग अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है, दोनों की दोनों। अभी ये सेटिंग जो है ना इनेबल करके आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको नीचे की साइड ना ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।